बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य थाना परपा अंतर्गत लूट का झूठा रिपोर्ट दर्ज कराने वाले आरोपी पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात है कि प्रार्थी द्वारा थाना परपा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उक्त व्यक्ति ई कॉम कोरियर सर्विस में सुपरवाइजर के पद में कार्यरत है, जो कंपनी का कलेक्शन राशि तोकापाल से जगदलपुर लेकर आ रहा था, जिस दौरान बीच रास्ते में दो मोटरसाइकिल में सवार चार व्यक्तियों के द्वारा प्रार्थी का रास्ता रोककर प्रार्थी के बैग में रखा 1,70,000 रुपए लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट में थाना परपा में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर पता तलाश के लिए रवाना किया गया। इस दौरान अनुसंधान में घटना स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे, तकनीकी साक्ष्य एवं स्थानीय मुखबिरों के माध्यम से पता साझी एवं घटना की तस्दीक किया जा रहा था। तभी संदेह के आधार पर प्रार्थी से विधिवत एवं बारीकी से पूछताछ करने पर उसने स्वयं के द्वारा रुपए के लालच में कंपनी के पैसे को स्वयं के लिए उपयोग करना एवं राशि का ज्यादा हो जाने से कंपनी को राशि जमा न करना पड़े इसलिए लूट का झूठा रिपोर्ट दर्ज कराना स्वीकार किया। वहीं आरोपी के कब्जे से 1,24,470 रुपए बरामद कर जब्त किया गया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। की राशि में मिसमैच चल रहा था और उस मिसमैच की राशि जब क्यूमुलेटिवली काफी बढ़ गई थी, तब इनके मन में ख्याल आया कि इस तरह से यदि ये राशि को खयानत के तौर पर अलग कर ले और उसको लूट का नाम दे दें तो उस राशि को ये बाद में कुरियर कंपनी को जमा करके अपना क्लियरेंस करा सकते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें जो सीसीटीवी का जाल है, जो तकनीकी साक्ष्य हैं, जो बेसिक पुलिसिंग के तहत जो प्रार्थी का पूछताछ और बयान वगैरह होती है उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कई सोर्सेज से, इन सब चीज़ों के समेकित प्रयास से इस घटना के उद्भेदन में हमको सफलता मिली है। और न सिर्फ घटना का उद्भेदन हुआ है बल्कि जो राशि इन्हें खयानत की थी, जो राशि इन्हें मिसअप्रोप्रिएट की थी, उस राशि में से अधिकांश राशि को रिकवर करने में पुलिस को सफलता। टीसीपी 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।